हाय गाइस, आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट और मैं हूं तुषाबा। हैशटैग मीटू बहुत ही ज्यादा सनसनी में है। हम सब रोज एक नए खुलासे सुन रहे हैं। हैशटैग मीटू की शुरुआत की थी तनुश्री दत्ता ने, जिन्होंने नाना पाटेकर पे आरोप लगाया था जूम के इंटरव्यू में 10 साल बाद। देखते ही देखते पूरा बॉलीवुड आक्रोश में आ गया है और सभी बहुत भावुक हो गए हैं। हैशटैग मीटू ने बहुत सारी लड़कियों को आवाज दिया अपने लिए जाने माने बड़े हस्तियों के सामने खड़े रहने के लिए। तनुश्री दत्ता के बाद संस्कारी आलोक नाथ का भी पर्दाफाश किया विंता नंदा ने, ये कह के कि आलोक नाथ ने ना ही उन्हें सिर्फ सेक्सुअली हैरेस किया था पर उनका रेप भी किया है। इसके बाद कंगना रनौत ने भी डायरेक्टर विकास बहल के खिलाफ आवाज उठाया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और अब सोना मोहापत्रा ने आवाज उठाया है कैलाश खेर और अनु मलिक के खिलाफ। जब उन्होंने एक जर्नलिस्ट का पोस्ट पढ़ा कैलाश के खिलाफ, तब उन्होंने भी कहा कि कैलाश ने उनकी थाइस पे हाथ रखते हुए उन्हें कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। सोना मोहापत्रा ने अनु मलिक को तो सेक्सुअल प्रेडेटर कहा है, जो एक नहीं काफी लड़कियों का शिकार करता है। अनु मलिक ने ये बात का तो साफ इनकार कर दिया, पर उस पे सोना ने कहा कि क्या आपको सुमन श्रीधर याद है जो आपसे तंग आके ये देश छोड़कर चली गई। और इसके बाद अब आवाज उठाया है अमायरा दस्तूर ने, जो इमरान हाशमी की 2015 की फिल्म मिस्टर एक्स में थी। उन्होंने कहा है कि वो किसी का नाम नहीं लेंगी क्योंकि वो काफी बड़े इंसान है। उस इंसान ने एक गाने के दौरान उन्हें दबाते हुए उनके कान में ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुम ये पिक्चर में हो, और उसी वक्त अमायरा दस्तूर ने उस इंसान को धक्का दे दिया। पर ना ही डायरेक्टर ने ना ही किसी और ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। बहुत ही चौंका देने वाले और दिल दहलाने वाले घटनाएं सामने आ रही हैशटैग मीटू की वजह से। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ फंडू कंटेंट पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।